कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कम होगी? देखिए, जो जो भी पैसे, जो भी कैपिटल, जो भी एक्विटी आ रही है सेक्टर में, ज़्यादातर वो फॉरेन कैपिटल है, राइट? बाहर से कैपिटल इंडिया में आती है सो दैट ये प्रोजेक्ट्स लग सकें. ठीक है। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सर्टेनिटी. उनको चाहिए कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन हो वो समय पे साइन हो, बिल्कुल। उनको उनमें कोई चेंज ना हो, उसमें कोई नेगोशिएशन ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि उनको रिस्क लगे. उनको चाहिए कि जी, आप अगर फाइनेंस आपका है, जो आप डेट लेते हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो अगर हम सस्ता कर सकें तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी टैरिफ पर होगा. तीसरी चीज़, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, जो 2003 का बना हुआ है, जिसको अब 17 साल हो गए हैं बने हुए, उसमें बहुत ज़रूरी है चेंज करने का. 2003 में तो रिन्यूएबल एनर्जी थी ही नहीं एक तरह से, बिल्कुल जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी उस सारे के सारे एक्ट में एक तरह से इंक्लूडेड ही नहीं है. तो सरकार ने बहुत बढ़िया ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स इशू करे थे, जिसपे इंडस्ट्री ने भी बहुत सारे कमेंट्स दिए थे. तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारा, वो उसके जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरकार पास करे. तो अगर हम जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी सैंक्टिटी को बना के रखेंगे, फाइनेंस अवेलेबल करेंगे ऑन द डेट साइड, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करेंगे, तो इन चीज़ों से आपकी कॉस्ट ऑफ पावर कम होगी. पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है वो. लेकिन देखिए, आप क्या है, हम लोगों को जैसे जो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है कि 450 GW हम लोगों को लगाना है, उसका मतलब करीब 30,000 GW हर साल लगाना है. इसका मतलब कि $18 बिलियन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना है, और $18 बिलियन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि करीब $9 से $10 बिलियन के पैनल लगने हैं जमीन में. तो अगर 9 बिलियन या 10 बिलियन के पैनल, मतलब 70,000 करोड़ के पैनल हर साल जमीन में लगने हैं, तो ये जो 4,000 करोड़ का PLI स्कीम है, वो दैट इज वन ओके एलिमेंट, ठीक। राइट? वो एक एलिमेंट है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, देखिए, सरकार के पास भी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। वो कुछ भी अमाउंट मुहैया करा सकते हैं. तो ये एक एलिमेंट है, बहुत अच्छा एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है. लेकिन सरकार को मैन्युफैक्चरिंग को उस दर्जे तक बनाने के लिए कि हम 30-40 हज़ार मेगावाट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकें, उसके लिए बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे. टैरिफ बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, PLI की स्कीम करनी पड़ेगी, पावर परचेज अग्रीमेंट्स के थ्रू करना पड़ेगा, हर तरह के पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम लोग 30-40 हज़ार मेगावाट का कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर यहाँ सकें पे कर साल पाए के. हाँ जी। जी, भारत में है वो इन्वेस्टमेंट की, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट की नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी की है, राइट? इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी लग जाएगी. अब आप देखिए कितने जो पिछले दो ऑक्शंस हुए हैं, एक राजस्थान में हुआ है और एक गुजरात में हुआ है, वहाँ पे 2 रुपए की टैरिफ डिस्कवर हुई है. तो चाहे वो सोलर प्लांट लगाने का हो, चाहे वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग लगाने का हो, मेरे हिसाब से कैपिटल का इशू ज़्यादा नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि इस समय अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इंडिया में लगाते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट आता है, जो आपका सोलर मॉड्यूल आएगी उस प्लांट से निकल के, वो महंगी होगी. अगर वो महंगी होगी तो फिर आप ऑब्वियसली जहाँ से सस्ती होगी वहाँ से खरीदेंगे, बिकॉज आपने तो 2 रुपए की टैरिफ बिड करी हुई है, आपको तो 2 रुपए में टैरिफ प्रोवाइड करनी है. बिल्कुल। तो आप हिंदुस्तान से अगर आप खरीदेंगे महंगे पैनल, तो आप 2 रुपए की बिजली नहीं दे सकते हैं. तो आपको जहाँ पे भी सबसे सस्ते पैनल मिलेंगे, सबसे सस्ता मटेरियल मिलेगा, वो आपको खरीदना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से जो हिंदुस्तान में पैनल्स बन रहे हैं उनको सस्ता किया जाए. तो जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि कई सारी चीज़ें, कई सारे इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं जिससे कि इस कॉस्ट को हमारा कम किया जा सकता है. जैसे एक आपने बताया PLI है, जो सरकार ने ऐलान किया था PLI का 2-3 महीने पहले, जो जो सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं त्रिपाठी साहब, या लैंड की बात कर रहे हैं, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, मतलब डेट की, कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं, वो उस जरिए कुछ किया जा सकता है. टैरिफ को बढ़ावा दिया जा सकता है. जैसे सरकार ने एक मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड टेंडर निकाला था 12,000 मेगावाट, जिसमें 3,000 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग लगना था. तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. ऊपर से जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात सरकार कर रही है, वो लगाने पड़ेंगे. देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक चीज़ से काम नहीं बनेगा. हमारा जो लक्ष्य है,
वो जैसा कि त्रिपाठी साहब ने बोला कि अब तो अभी तो हम लोग सिर्फ इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को तो अगर आप देखें विश्व में करीब 1,50,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, राइट? 1,50,000। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 8-10 हज़ार मेगावाट है, उसमें अगर आप देखें कि जो कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबिलिटी है वो तो शायद 2,000 मेगावाट ही हो, क्योंकि बाकी जो प्लांट्स हैं वो थोड़े पुराने हैं, छोटे साइज के हैं, जो जी कंपीट कर ही नहीं सकते। तो कहाँ 1,50,000 मेगावाट और कहाँ 2-3 हज़ार मेगावाट, बहुत फर्क है। नहीं तो हमें अगर कॉम्पिटिटिव बनना है तो 30-40-50 हज़ार मेगावाट की हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगानी है। उम्मीद यही है कि जो हमारे फाइनेंसिंग की नीड्स हैं, राइट, उस पे हमें कुछ फिलिप मिले जिससे कि हमारी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। एक जो इंडिया में एक बॉन्ड मार्केट की कमी है, राइट, वो पूरी हो, उस सरकार से उम्मीद है कि वो कुछ इस बॉन्ड मार्केट को डीपन करने के लिए भी कुछ करेंगे। इसके अलावा जो बैरियर्स की बात कर रहा था मैं, जो टैरिफ बैरियर्स की बात है फॉर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, हमें उम्मीद है कि उस पर भी सरकार कुछ काम करेगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो अमेंडमेंट है, उम्मीद है कि उस पर भी कुछ क्लैरिटी आएगी बजट में कि सरकार की क्या करके की क्या आगे बढ़ने की क्या प्लान है, कि वो कब तक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जी आगे आ जाएगा। तो ये